हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाडिया एंड आज जो है हम हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारी जो क्लास है 11th और 12th लेवल की, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी को टचअप करते हैं। उसके बाद हम यूजी एंड पीजी सेक्शन में जो है मूव कर जाएंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लास आपके लिए जो है CSIR नेट के लिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो UGPG के लिए, और बेसिकली आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का जो आपका सेकंड एग्ज़ाम है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीट एंड JEE मेंस के लिए भी हमारी क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, यूज़फुल रहेगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्योंकि अब बेसिक सी बात है कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, सो रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड रेंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी एक रेंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसकी आउटकम्स जो हैं, जिसके रिजल्ट्स जो हैं, उनके बारे में हम कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉसिंग अ फेयर कॉइन, आपने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, अब उसमें हेड आएगा या टेल आएगा कुछ नहीं बता सकते। थ्रोइंग अ फेयर डाइस, आपने एक डाइस को थ्रो किया। ठीक है, सो उसमें क्या आएगा हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ड्रॉइंग ए कार्ड, ठीक है, आपने कोई भी एक कार्ड ड्रॉ किया पूरी की पूरी उसमें से। ठीक है, सो बेसिकली सिंपल सी बात है कि रेंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके आउटकम्स की क्या रिजल्ट आएगा वो हम कह नहीं सकते। ठीक है, पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही रेंडम एक्सपेरिमेंट्स पर ही जिनके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, प्रेडिक्टेबल होते हैं, उन पर हम प्रोबेबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, जिनके रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते उन्हीं जो एक्सपेरिमेंट्स पर हम जो है हमारी बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है लागू होती है। ठीक है, सो बेसिकली रेंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हमने देखी, और इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी आपने कोई रेंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस रेंडम एक्सपेरिमेंट में आपकी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आई उनका सेट जो है उसे ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, इसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एन एस। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है जी, सो ये हमारे हो जाएंगे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन एस। ठीक है, चलिए सो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले। तो जैसे हमारे फेवरेट एग्जांपल होता है एक तो डाइस, ठीक है, एक डाई यानी एक सिंगल डाई। ठीक है, उसके बाद कॉइन्स और डाइस। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आपने एक डाई रोल किया, ठीक है, सो इसमें सिंपली आपने एक डाई को रोल किया, तो इसमें पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो बेसिकली ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारी क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारी कंप्लीट आउटकम्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, सो अब अगर आप देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एस, ठीक है, जो आउटकम्स है टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, तो ये हमारी हो जाएंगे 6, यानी कि आपके एस में सैंपल स्पेस में टोटल 6 एलिमेंट्स है। कॉइन्स की बात करते हैं, अब कॉइन्स में क्या रहता है, मान लीजिए हमने सिर्फ एक सिंगल कॉइन जो है टॉस किया है, सिंगल कॉइन टॉस किया, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हमारे क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली अगर आपने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, ठीक है, सो आपका सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? दोनों कॉइन्स में हेड हेड आ सकते हैं, दोनों कॉइन्स में टेल टेल आ सकते हैं, पहले में हेड दूसरे में टेल, तो इस टाइप से हो सकते हैं। सो इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे 4। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड में मान लीजिए आपने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? या तो आपको जो है तीनों कॉइन्स पर हेड 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 आए, या फिर आपके 2 पर हेड 1 पर टेल आ जाए। ठीक है, बेसिकली इसमें 8 आउटकम्स आपकी रहेंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे 8 रहेंगे। इसके लिए ना एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब आपने सिंगल कॉइन किया है, ठीक है, डाइस के लिए हम बाद में करेंगे, जब आपने सिंपल कॉइन किया है तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा? एक हेड और एक टेल हो जाएगा। एक कॉइन की बात कर रहे हैं, 2 कॉइन्स हैं, तो आप क्या करें? पहले तो आप क्या करें? हेड हेड टेल टेल ये कर लें, इसके बाद एक एक अल्टरनेटिव करें, हेड टेल
हेड टेल, ठीक है, ये हो जाएंगे। थर्ड, अगर आपके पास तीन तीन है तो आप क्या करें, पहले तो चार चार का सेट लिखें, हेड 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 और टेल 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 टेल, ठीक है, फिर उसके बाद दो दो के सेट लिखें, हेड 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 टेल टेल, ठीक है जी, हेड हेड टेल टेल, दो दो के सेट। अब अल्टरनेटिवली लिखें, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल, ठीक है। सो ये आपके तीन के आउटकम्स हो जाते हैं टोटल, हमारे ये हो जाते हैं नंबर ऑफ एस, हमारे हो जाएंगे 8, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई थिंक हो सकती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जी डाइस की। डाइस में बेसिकली क्या होता है, डाइस में देखिए आप, डाइस में बेसिकली हमने देख लिया कि डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा। अगर आपके पास टू डाइस हैं, ठीक है, एक साथ दो डाइस को आप रोल कर रहे हैं, एक ही बार हाथ में लेकर के दो डाइस को एक साथ कर रहे हैं या एक डाइस को दो बार कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट पर आपका 1 1 आ जाए, सेकंड पर आपका जो है 1 2 आ जाए, थर्ड पर आपका 1 3 आ जाए, सो नाम 2, फिर नेक्स्ट पर 2 1 आ जाए, ठीक है, 2 2 आ जाए, ये चल करके 6 6 तक आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर आप दो एक साथ डाइस को जो है रोल करते हैं, ठीक है। सो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, एक स्लाइड और लेकर के आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल लास्ट से हम एक ब्लैंक स्लाइड ले आते हैं यहाँ पर, ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लियर कर सकें, क्योंकि बार बार ये हमारे सामने आने वाली है चीज़ें। सो स्टार्टिंग से ही अगर हम इनको देख के चलते हैं देन हमारे लिए बेस्ट रहता है। चलिए सो हम बात कर रहे थे डाइस के लिए। डाइस में मान लीजिए हमारे पास सिंगल सिंगल डाई है, ठीक है। सो इसके लिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे 6 की पावर्स 1, ठीक है, यानी कि 6 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टू डाइस है, ठीक है, सो आपके पास 6 स्क्वायर, यानी कि टोटल आपकी जो आउटकम्स हो जाएंगी वो 36 आउटकम्स हो जाएंगी, अगर आपने जो है बेसिकली थ्री डाइस को एक साथ रोल किया है, ठीक है। सो आपके पास 6 क्यूब टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से आपने जब कॉइन्स के लिए किया था, सिंगल कॉइन के लिए किया था, तो टोटल आउटकम्स हमारी हेड एंड टेल कितनी होती थी, 2 होती थी, ठीक है। सो 2 की पावर 1, उसके बाद 2 कॉइन्स को किया तो ये हो गई 2 स्क्वायर, 3 कॉइन्स को किया तो ये हो जाती है 2 क्यूब, यानी कि हमारी टोटल 8 का आउटकम्स यहाँ पर, 4 आउटकम्स यहाँ पर, 2 आउटकम्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर चेक करना है कि आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स हो सकते हैं, तो 6 की पावर 1 स्क्वायर एंड क्यूब, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर ये माने कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट होता है विच नेवर अकर, ठीक है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होता, या फिर रेयरली अकर, यानी कि कभी कभी आता है, लाखों में एक केस होता है, ठीक है। जो लाखों में एक केस होता है उसे हम यही मानेंगे कि भाई ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है हमारा कोई भी इवेंट ए, ठीक है, टू बी डिस्कस्ड, यानी कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बात करते हैं, वो हमारा इवेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा इवेंट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट इसको हम दिखाते हैं इस टाइप से, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा होता है कि सैम्पल स्पेस में से आप ए के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो हमारा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाता है, ठीक है। यानी ए में हमारा ए को जो है बेसिकली ये मान सकते हैं कि ए जो है इसके लिए सैम्पल स्पेस है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है जी, ये हमारा ए का सैम्पल स्पेस है, ठीक है जी, और ए है हमारा मान लीजिए इसी का सेट है, जैसे 2 एंड 4, ठीक है। सो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हम जो एस है हमारा 1 2 3 4, इसमें से हम माइनस कर देंगे ए के एलिमेंट्स को, ठीक है। सो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हमारा होता है बेसिकली ए नॉट या नॉट ए, ठीक है, यानी कि एस के वो वाले एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, ठीक है।
चलिए, सो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। चलिए इसके बाद बात करते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता है जो कि 100% अकर होगा। श्योर इवेंट वो होता है जो कि 100% हमारा होने ही होने वाला है, ठीक है, वो हमारा श्योर इवेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट की वैसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट वो होते हैं जैसे ए हमारा एक इवेंट है और एक हमारा इवेंट बी है, ठीक है, दोनों का आपस में कोई रोल नहीं है, यानी कि दोनों जो है इंडिपेंडेंट है, एक के होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और इसके इंडिपेंडेंट इवेंट्स के आगे हमारे पास दो रिजल्ट्स आएंगे कि अगर आप इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो पी ए इंटू पी बी आएगा। हालांकि इनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जब बात आई है तो हम बेसिकली करें कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी इनके लिए यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी मायने रखता है, इनका इंटरसेक्शन डायरेक्टली इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा। और बेसिकली आगे जा करके जब हम पी ए अपॉन बी, यानी कि जो हमारी, चलिए इसके बारे में वैसे बेसिकली बाद में बात करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वैसे इवेंट्स होते हैं जिसमें एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अलग होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स अलग होते हैं, और कुछ इवेंट्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं इन्हें हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं, इन्हें हम डिसजॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ए एंड बी अगर हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई होता है, दैट मीन्स ए एंड बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करें कि अगर हमारा ए यूनियन बी कर दे और ये हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। देखिए मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, दोनों में हालांकि कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों को अगर मिला दें तो हमारा पूरा का पूरा जो सैंपल स्पेस है वो बन जाता है। अगर ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। सो इस केस में हम इसको बोलते हैं इट इज म्यूचुअली, यानी ये दोनों हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिसजॉइंट है तो हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है देन हम उन्हें एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक सी बात है कि अगर बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास सेट्स हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारा फाई आ जाता है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये चारों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एंड अगर इनका यूनियन जो है, बहुत सारे का यूनियन, मान लीजिए ये हमारे पास सैंपल स्पेस को फॉर्म करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, ठीक है, और बोथ को सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, यानी वो जो है एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। चलिए अब मेन बात पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वही रटा रटा है हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। मान लीजिए एस हमारा कोई सैंपल स्पेस है और इसमें ए हमारा कोई इवेंट है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, जिसे हम ये भी कह सकते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल सी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ, चलिए प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, इसके लिए सबसे पहले तो हम सेट थ्योरी के ही कुछ रूल्स लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें बात की जाए कि बोथ ए एंड बी ऐसा बोला जाए, ठीक है, बोथ ए एंड बी ऐसा बोला जाए, इसका मीनिंग हमारे पास होगा कि आपने ए इंटरसेक्शन बी करना है, ठीक है, ए बी हो एंड बी भी हो, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी हमने लिया है, ठीक है। सेकंडली, क्योंकि ये वर्डिंग कोई, ये लैंग्वेज फॉर्मेट में हमारे पास बार बार ऐसा आने वाला है, सो पहले से ही हम इनके बेसिकली इनके सिम्बॉलिक फॉर्म को चेक कर लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है, यानी कि ए और बी में से एटलीस्ट कोई तो आए,
कोई एक तो आए, यानी कि या तो ए आए या फिर बी आए, तो ये हो जाता है इनका यूनियन। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड होता है ए अकर्स, मान लीजिए ये बोला जाए ए अकर्स बट नॉट बी, बट नॉट बी यानी ए तो आए लेकिन बी नहीं आए, यानी कि ए आए और बी नहीं आए, इनका इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास हो जाता है कि ए तो आए लेकिन बी नहीं आए, यानी ए माइनस बी। ठीक है जी, चलिए तो ये सेट थ्योरी के आपके जो है बेसिकली वेन डायग्राम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए कि निदर ए नॉर बी अकर, ठीक है, यानी कि ए भी ना आए, ए भी ना हो एंड बी भी ना आए, अगर हमें ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया गया तो सिंपल सी बात है, ये हमारा बेसिकली हो जाता है वन माइनस, सॉरी ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का होल जो है ए ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये हमारा हो जाता है ए यूनियन बी का नेक्स्ट। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये बोल दिया गया ओनली ए अकर्स, एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए एक्चुअली बारिश की वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। चलिए सामने बात किया कि अगर हमारे पास नीदर ए नॉर बी आए तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो ये हमारा रिजल्ट इसमें चेंज हो जाता है। बेसिकली हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है कि अगर आपने जो है ए यूनियन बी पर कॉम्प्लीमेंट लगाया, दैट मीन्स आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा रूल होता है। ओनली ए अकर्स हमें बोला जाए, ओनली ए अकर्स, ठीक है, इसका मतलब है यानी कि आपका बी नहीं है, ओनली ए है, ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन। अगर आपके पास थ्री इवेंट्स है तो आप ये बोल सकते हैं ओनली ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ठीक है, ओनली ए अकर्स में। सिक्स अगर हम बात करें, मान लीजिए हमें ये बोल दिया गया कि बोथ बोथ ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है, यानी कि ए और बी तो आए, ए और बी तो आए बट सी नहीं आए। ठीक है, सेवंथ अगर हमें बोल दिया गया ऑल द थ्री इवेंट्स अकर्स, ठीक है, तीनों के तीनों आए, यानी कि आप बात बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें बोल दिया जाए एटलीस्ट वन अकर, एटलीस्ट वन का मतलब है या तो ए आ जाए या फिर बी आ जाए या फिर सी आ जाए, अगर तीन इवेंट्स है तो। ठीक है, सो बेसिकली ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये बोल दिया जाए एटलीस्ट टू अकर, यानी कि कम से कम दो तो आए, यानी कि या तो ए बी आ जाए या फिर बी ए आ जाए, सॉरी बी सी आ जाए या फिर आपका सी ए आ जाए। ठीक है, सो आप इसको ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, या तो ए बी आ जाए या फिर आपका बी सी आ जाए या फिर आपका ए सी आ जाए। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा। ये सिंपल सी चीजें थी जो हमें थोड़ा सा पहले से नॉन होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो बात करते हैं एक्जियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्जियम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट एक्जियम हमारा होता है एक्जियम ऑफ पॉजिटिविटी। एक्जियम ऑफ पॉजिटिविटी का मतलब है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है यानी कि यह तो जीरो के इक्वल हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड हमारा होता है एक्जियम ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी सर्टेनिटी का मतलब है कि अगर आपका कोई इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। ठीक है, श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट आपकी हमेशा वन होती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, इसे बोलते हैं एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। एक्सियम ऑफ
एडिटिविटी, ठीक है। एक्सियम ऑफ एडिटिविटी हमारा क्या कहता है कि इफ इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए एंड बी आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, या डिसजॉइंट हमारे इवेंट्स हैं, तो इस केस में पी ए यूनियन बी जो होगा ये आपका सिंपली पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ठीक है जी। सो बेसिकली ये हमारे हैं एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये थ्री मेन एग्जाम्स है, एक तो पॉजिटिविटी का, सर्टेनिटी का, एग्जाम्स ऑफ एडिटिविटी का, ठीक है। सो बेसिकली एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, यानी बेसिक सी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। सेकेंड केस हमारा क्या होता है कि कोई भी जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी, ये हमारी जीरो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमारी जीरो प्रॉपर्टी है कि कोई भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो वो हमेशा 0 to 1 में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्टली पी ए नॉट की जो प्रोबेबिलिटी है ये हो जाती है 1 - p(a), ठीक है, यानी कि पी ए नहीं की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी हो जाएगी 1 - p(a), ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। कोई भी हमारा वॉइड सेट है, कोई भी हमारा एम्प्टी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही जीरो है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए में से कंटेन करता है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इट विल बी ऑलवेज लेस देन पी ऑफ ए, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, ये हमारा रूल क्या कहता है, यहाँ पर हम बेसिकली बात करें कि अगर आपके पास आ जाए कि ए हो लेकिन बी ना हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चाहता है कि मान लीजिए आपका वेन डायग्राम से इसको सेट करते हैं कि ये आपका ए और ये आपका बी है, ये आपका सैम्पल स्पेस है, ठीक है। ये बोल रहा है ए तो हो लेकिन बी ना हो, ठीक है, यानी ए तो हो लेकिन बी ना हो, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें तो बेसिकली ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, बाकी वाले में यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, बी बार। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ए तो हो बट बी नहीं हो, ठीक है। सो इसमें आपने क्या करना है, पी ए में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देना है, ठीक है, यानी ए में से आपने जो इनका इंटरसेक्शन पोर्शन है इसको भी माइनस कर देना है, तो आपका ये सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं पी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, पी ऑफ ए माइनस बी भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपकी बेसिक सी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे हर जगह काम आती है, ठीक है। सो एडिटिव थ्योरम हमारी क्या कहती है, इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, these are any two events, then हमारे जो A union B की जो probability हो जाएगी ये हमारी basically क्या होगी, P of A plus P of B, और इसमें से हम subtract कर देंगे P of A intersection B, ठीक है जी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम set theory में करते थे, ठीक है, यानी कि आपने पी ए यानी कि ए सेट और बी सेट इसकी प्रोबेबिलिटी को काउंट किया, तो एक बार आपने ए को काउंट कर लिया, एक बार आपने बी को काउंट कर लिया, तो आपका जो इंटरसेक्शन पोर्शन है ये तो हमारा दो बार काउंट हो गया, तो इसे एक बार हटाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पी ए और पी बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एंड दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, एडिटिविटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसी का ही वो स्पेशल केस होता है, इसी का ही स्पेशल केस होता है हमारा, जिसमें हम जिसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट, कि अगर हमारे मान लीजिए ए एंड बी जो है, ए एंड बी अगर हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट है दैट मीन्स उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये हमारा जीरो होता है, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जीरो, तो हमारा सिंपली ए यूनियन बी जो है ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो अभी अभी हमने जो है रिजल्ट किया था, जिसे हमने बोला था एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। सो इसका भी ये होता है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो यहाँ पर सिंपली वही केस आता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो होता है। सो ये हमारी जो पॉजिटिविटी, सॉरी
जो हमारी एडिशन थ्योरम है, तो वहीं से ये रिजल्ट निकल करके आया है, ठीक है। सो ये हमने किया एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवल अकर्स, ठीक है। कि हमें बतानी है कि एक वोवल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने जो है एक सिंगल लेटर यहाँ से लिया है, ठीक है। तो एक सिंगल लेटर लिया तो टोटल वोवल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वैसे अगर हम बात करें सैम्पल स्पेस की बात करें, तो सैम्पल स्पेस में पी आ सकता है, आर आ सकता है, ओ आ सकता है, बी आ सकता है, ए आ सकता है, फिर से बी आ सकता है, आई आ सकता है, एल आ सकता है, फिर आई आ सकता है, टी आ सकता है, वाई आ सकता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस ही हमारे हो जाएंगे बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। सो इसमें रिपीटेशन का कोई रूल नहीं होता, रिपीटेशन है तो भी उसे इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह हम काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे आई हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो भी हम इसको इंडिविजुअली काउंट करेंगे, बी भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो भी हम उसे एक सिंगल सिंगल एलिमेंट की तरह काउंट कर रहे हैं। सो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स हो गए 11। वोवल्स आए, ठीक है, वोवल्स हमारे टोटल कितने हैं, तो वोवल्स आने को हम इवेंट मान लेते हैं ए, ठीक है। सो इसके लिए हमारे एक तो ओ है, ये हमारा ए है, आई और दूसरी बार आई, ठीक है। सो ये हमारे टोटल वोवल्स हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट, ठीक है, सो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल हमारी आउटकम्स क्या हो सकती हैं, 4, ठीक है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें करना है एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 4/11। सो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में बस यही सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रिपीटेशन केस में रिपीटेशन को केस को कभी इंक्लूड करते हैं और कभी नहीं करते, तो यहाँ पर हमेशा ही एक्सक्लूड करते हुए चलना है, यानी रिपीटेशन अगर आ जाती है तो भी उसे इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ही काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द चांसेस ऑफ थ्रोइंग अ सम 8 इज, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें, तो आपके पास आउटकम्स क्या हो जाएंगी। स्टार्टिंग से आप लगते हैं जैसे 1-1 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे दूसरे पे 2 आए, ठीक है, 1-3 आ सकता है, 1-4 आ सकता है, 1-5 आ सकता है और 1-6 आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्टली आप फर्स्ट पे 2 को फिट कर दें, 2-1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3 आ सकता है, 2-4 आ सकता है, सो ऑन अप टू, ठीक है, इस टाइप से ये चलता रहेगा, और 6-1, 6-2, 6-3, ठीक है। सो ये आपकी टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगी, ठीक है। 36 आउटकम्स में से आपने देखना है द चांसेस ऑफ थ्रोइंग अ सम ऑफ 8, ठीक है, सम 8, यानी कि इनका एडिशन 8 होना चाहिए। अब एडिशन 8 वाली कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं, ठीक है। सो एक एक करके लगाते हैं, एक तो हमारा हो गया 2,6, ठीक है, एक हमारा हो गया 6,2, नेक्स्टली अगर हम देखें तो एक हमारा हो गया 3,5, एक हमारा हो गया 5,3, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा हो जाता है 4,4, ठीक है। सो 4,4 एक ही बार आएगा, ठीक है, डबल टाइम्स तो आने से था। सो बेसिकली हमारे पास टोटल ये 5 केसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर 1,7 लेना चाहेंगे तो भाई डाइस में 7 तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सो 2 डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं, सो ऑल आउटकम्स तो हमारी क्या हो जाएंगे, 6² यानी कि 36 हो जाएंगी, और पॉसिबल आउटकम्स हमारी फेवरेबल आउटकम्स है 5, सो हमारा आंसर आ जाएगा 5/36, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डाइस रोल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 5। अब देखिए 3 डाइस आप रोल कर रहे हैं, अब डाइस के लिए हमारे पास टोटल आउटकम 6 होती हैं, सिंगल डाइस के लिए 3 टाइम्स किया तो 6 क्यूब कर देंगे, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आपके पास आ जाएंगे 216, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये आपकी टोटल आउटकम्स आ जाती हैं। अब आपको चाहिए स्कोर ऑफ 5, ठीक है। सो इसमें आउटकम्स में स्कोर 5 का हो सकता है, एक तो 1, सेकंड पे 2 आए, थर्ड पे 2 आए, ठीक है, या फिर इसी में आप चेंज कर दें कि मान लीजिए ये 2, 2 एंड 1 कुछ इस टाइप से आ जाए, ठीक है, या फिर आपका 6 हो सकता है कुछ इस टाइप से कि इस पर 1 आए, सॉरी 5 हमें करना है, सो 1, 1 एंड और यहाँ पर हो जाए 3, ठीक है, या फिर 3, 1, 1 हो जाए, या फिर 1, 3, 1 हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली यही हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। सो ये हमारी टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/216, सो या फिर ये भी कर सकते हैं कि ऊपर 6 और यहाँ पर 6 क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6², यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1/36, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कर लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ
सिलेक्शन ऑफ अ नंबर एट रैंडम, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 100। ये हमारा सैम्पल स्पेस है, इसमें से हमने एक सिंपली एक एलिमेंट लिया है विच इज अ क्यूब, ठीक है, विच इज अ क्यूब, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट का क्यूब हो सकता है। तो क्यूब हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब देखें तो ये हमारा हो जाएगा 27, 4 का क्यूब देखें तो 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो 125 इस सेट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस हमारे हैं 100, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हमारा ए जो इवेंट है इसके लिए हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 4, सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 4/100, ठीक है, सो ये आ गया 1/25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा प्रोबेबिलिटी जो हमारा सिंपल सा हमने फॉर्मूला किया सो उस पर बेस्ड है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक पैक है 52 कार्ड्स का, ठीक है, एक स्टफ्ड पैक है 52 कार्ड्स का, सो इसमें हमने एक एक कार्ड ड्रॉन किया, ठीक है, मान लीजिए अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक और अ क्लब, या तो ब्लैक हो, एक कार्ड हमने सिंपली जो है लिया है उस कार्ड में बेसिकली या तो वो कार्ड ब्लैक हो या फिर उसमें एक क्लब आए, ठीक है। सो सिंपली आप देख सकते हैं कार्ड जो होता है ब्लैक कार्ड्स देखें तो 52 में से 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक होते हैं, क्लब की बात करें तो क्लब में हमारे जो है 13 कार्ड्स होते हैं टोटल, एंड अगर हम देखें ब्लैक एंड क्लब का इंटरसेक्शन करें तो हम जानते हैं कि क्लब जो होता है वो ब्लैक कलर का ही होता है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। सो हमें देखना है ब्लैक और अ क्लब, और हमने देखा था कोई भी ए और बी की बात करें दैट मीन्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, और यहाँ पर यह हमें दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, टोटल केसेस हमारे पास 52 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से पी ए ये आ जाएगा 26/52, पी ए पी ऑफ बी, पी ऑफ बी ये हमारा हो जाएगा 13/52, एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल केस 13 एंड 52। सो वैल्यूज रख देते हैं, ये हो जाएगा 26/52 प्लस 13/52 माइनस 13/52, ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो गया, सो सिंपली हमारे पास यूनियन का आ जाता है 26/52 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, सो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। सो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है दैट एन एक्सपेरिमेंट, आप फटाफट से जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जाता है तो प्लीज ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करें। मान लीजिए हमारे पास 3 जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ए कोमा बी कोमा सी, एंड कंडीशन हमारे पास मान लीजिए गिवन है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × P(b) इक्वल्स टू 3 × P(c), ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। सो इसके लिए आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको जो है फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल सी बात है कि हम बता सकते हैं, हमें बताया कि सैम्पल स्पेस पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमारे पास 1 होती है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर है कि श्योर इवेंट है सैम्पल स्पेस में से तो कुछ ना कुछ आएगा, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो जाती है, या फिर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल जो पॉसिबल हमारे टोटल इवेंट्स हैं सो उनको मिलाकर के सभी की प्रोबेबिलिटी का एडिशन करें तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, यानी कि अगर आप
इंटरसेक्शन बी अगर सीधा देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें तो ये तो हमारा आ जाएगा 5, यानी तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। और अगर आप यूनियन करना चाहते हैं, यूनियन करने से ये हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा, यूनियन करने से सैम्पल स्पेस बन जाएगा, यानी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो हमारे पास सिंपली सैम्पल स्पेस ही आ जाएगा। ठीक है, सैम्पल स्पेस ही आ जाएगा, तीनों में कॉमन कुछ है नहीं, सो कुछ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बेसिकली पी ए की वैल्यू निकालनी है, तो पी बी एंड पी सी की वैल्यूज यहाँ से हम जो है पी ए की फॉर्मेट में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए पी बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ पी ए। ठीक है, एंड पी सी हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे हमने पुट किया, हमारा आ जाता है पी ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू पी ऑफ ए प्लस 1/3 इंटू पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा सिंपली हो जाएगा यहाँ पर 11/6 पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से बेसिकली पी ऑफ ए हमारा आ जाता है 11/6/11। सो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें सिंपली गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है 1/4, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मान लीजिए हमारे पास गिवन है 2/3। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, सो इसके लिए हमने बेसिकली देखा भी था, ये हमारा होता है बेसिकली ए नॉट इंटरसेक्शन बी, यानी ए नहीं एंड बी, तो ये हमारा सिंपली होता है बी में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना होता है। ठीक है, सो यहाँ से ऑल ओवर रिजल्ट में से हमने बेसिकली पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन हम चेक करेंगे, आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, एक हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी अभी रिजल्ट किया भी था, यहाँ पर हमने ये रिजल्ट देखा था, ये हमने देखा था पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट के लिए, अभी हमारे पास रिजल्ट आया ए नॉट इंटरसेक्शन बी इसके लिए। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ बी माइनस ए विच इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, सो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में, एक तो हमारे पास यूनियन गिवन है, एक हमारे पास जो है इंटरसेक्शन गिवन है, पी ए नॉट गिवन है, तो यहाँ से हम पी ए फाइंड आउट कर सकते हैं, पी ए हमारा क्या हो जाएगा 1-PA0। ठीक है, पी ए बार भी इसको बोल सकते हैं, सो 1-2/3 ये हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, पी ए है हमारे पास यूनियन है इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से पी बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी एडिशन थ्योरम होती है कि यूनियन जो होता है हमारा इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है बेसिकली। सो हमारे पास पी ऑफ ए ये हमारे पास है 1/3 प्लस पी ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/4 है एंड दिस इज ये हमारे पास है 3/4। सो पी ऑफ बी ये हमारा सिंपली आ गया 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3। ठीक है जी, तो पी बी हमारे पास सिंपली आ जाता है 2/3, ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। एंड नाउ हमें करना है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इसी फॉर्मूला में, सिंपली इस फॉर्मूला में रखेंगे पी बी हमारा क्या है, पी बी है हमारा 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 1/4। ठीक है, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 एंड 8-3 5 या 5/12, सो ये हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। सो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, इफ इवन इवन एंड ई टू आर एनी टू इवेंट्स, ये हमारे कोई टू इवेंट्स है। ठीक है, सो इसमें आपने जो है बेसिक सा बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई टू इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा पी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई टू इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस 1। तो इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट होगा, या फिर मान लीजिए थर्ड केस हम बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ई टू इज लेस देन इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, और यहाँ पर मान लीजिए हम लगा देते हैं प्लस वन, ठीक है। सो चलिए हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। सो इसके लिए बेसिक सी बात है कि आपने जो है अभी अभी देखा था कि कोई भी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारी ऑलवेज एग्जिस्ट करती है 0 to 1 के बीच में। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन या फिर मान लीजिए यूनियन, यूनियन की बात करते हैं, इवन यूनियन ई टू कोई भी प्रोबेबिलिटी है, सिंपली ये भी हमारी 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। इसे हम रिप्लेस कर देते हैं एडिटिविटी थ्योरम से, एडिशन थ्योरम से। यहाँ पर ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस हो जाएगा पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू से। अब मान लीजिए हम जो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू से दोनों तरफ सभी में एडिशन कर देते हैं, मान लीजिए ठीक है एडिशन कर दिया हमने ऑल ओवर, हमने तीनों तीनों तरफ जो है एडिशन कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है, दिस इज लेस देन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स दिस, यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए एक तो हमने रिजल्ट बनाया ये, इससे आप ये भी कर सकते हैं, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया पी ऑफ ए को इधर ले गए माइनस ऑफ, ये ऐसा नहीं करते हैं बेसिकली, ये दोनों रिजल्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी वन प्लस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा दैट पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी माइनस वन के, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हमारा ओके हो जाता है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे आ सकते हैं जिसमें हमें बेसिक सी प्रॉपर्टीज को लेकर के कुछ कुछ फॉर्मेट्स में जाना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर जाते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ठीक है, दीज आर एनी टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स हमने ले लिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी डिनोट्स, ये किस बात को डिनोट करती है, डिनोट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल यानी कुछ कंडीशंस है हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पर कंडीशन क्या है, अकरेंस, इट इज इट डिनोट्स द अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। यानी कि मान लीजिए बी हमारा हो चुका है, बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, सिंपली बी हमारा हो चुका है उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमारा होता है पी ऑफ ए ओवर बी, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारा इस पर बेस्ड वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेसिकली जो पी ऑफ ए बाय बी इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी का ए के ऊपर क्या असर है ये चेक करने के लिए हमें बी इंटरसेक्शन ए चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि इन दोनों की कॉमन, इन दोनों में इफेक्ट क्या, एक्चुअल में बी किस टाइप से ए को इफेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के लिए कॉमन चीज लेनी पड़ेगी, एंड ऑलरेडी जो हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे पी ऑफ बी, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाता है, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे रहेगा पी ऑफ ए, ठीक है, यानी कि बेस तो हमारा सेम रहेगा और यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन जो है हम यहाँ पर ऊपर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है इट इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, यानी आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया या फिर सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करें पी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा पी ऑफ जो है बी बाई ए, ठीक है। सो सिंपली ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। सो ये हमारा होता है जी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, इस पर बहुत सारी क्वेश्चंस हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, थोड़े थोड़े एक बार कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को हम दिखाते हैं एक्स से, ठीक है। रैंडम वेरिएबल होता क्या है, मान लीजिए इफ
एस इज सैंपल स्पेस, एस इज अ सैंपल स्पेस, देन रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स फ्रॉम एस टू आर, ठीक है, इज रैंडम वेरिएबल. यानी कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है एक्स, ठीक है, एक्स होता है विच इज टू बी डिस्कस, यानी जिसके बारे में हमने बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल, हमने जैसे मान लीजिए थ्री कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है. अब थ्री कॉइन्स को टॉस करने पर नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ हेड्स है ना, ये हमारा हो जाता है रैंडम वेरिएबल एक्स. अब हम बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स जीरो आ सकते हैं, वन आ सकते हैं, टू आ सकते हैं, थ्री आ सकते हैं, ठीक है. सो ये नंबर ऑफ सॉरी ये जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा हो जाएगा रैंडम वेरिएबल एक्स. और इस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है. यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल हमारा जीरो भी रैंडम वेरिएबल है, वन टू थ्री, ठीक है, जिसके बारे में भी हमने बात करनी है. ये सारे क्या हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, यानी कि कोई भी एक सिंपली एक्स डिफाइन होता है फ्रॉम एक्स टू आर, ठीक है जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके चलिए, सो ये हमारा रैंडम वेरिएबल होता है. रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अब एक्स जो है हमारा ये एक रैंडम वेरिएबल है विच इज डिफाइन एज नंबर ऑफ हेड्स. मान लीजिए एक इंसिडेंट लिया हमने, एक इवेंट लिया, इसमें हम बात करें नंबर ऑफ हेड्स व्हेन थ्री कॉइन्स, तीन कॉइन्स हमने टॉस किए हैं, ठीक है, थ्री कॉइन्स हमने टॉस किए हैं, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ हेड्स हमारे क्या आ सकते हैं, या तो जीरो हेड्स आ सकते हैं, वन हेड, टू हेड या थ्री हेड आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है. सो इसके लिए हम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस टाइप से बनाते हैं. यहां पर बेसिकली हम दिखाते हैं पहले एक्स और यहां पर हम दिखाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है. सो ये हमारा सिंपली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा. इस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि आगे की जो चीजें हैं वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड होने वाली हैं. सो सबसे पहले हमारा हो गया जीरो, वन, टू एंड थ्री, ठीक है जी. जीरो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी वन अपॉन एट, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी थ्री अपॉन एट, टू हेड्स की हो जाएगी थ्री अपॉन एट, थ्री हेड्स की हो जाएगी वन अपॉन एट, ठीक है. यानी कि जीरो की रैंडम वेरिएबल जीरो के लिए हमारा पी ऑफ एक्स वन अपॉन एट आ जाएगा, ठीक है. यानी कि ये बेसिकली एक फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है. अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ रिजल्ट्स या जो भी हैं, ठीक है, सम ऑफ आउटकम्स व्हेन टू डाइस रोल्ड, जब दो डाइस को आप रोल्ड करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो भी आपकी आउटकम्स आती हैं, बेसिकली हमने देखा कि 36 आउटकम्स आती हैं, ठीक है, वन वन, वन टू, वन वन थ्री, टू वन, थ्री वन, ठीक है, इस टाइप से लेकर के सिक्स सिक्स तक, ठीक है, टोटली हमारी 36 आउटकम्स आती हैं जब टू डाइस को हम रोल करते हैं, ठीक है जी. सो इसके लिए दोनों के लिए एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन में क्या हो सकता है, रैंडम वेरिएबल एंड इसके प्रोबेबिलिटी के लिए हम अगर बेसिकली इसकी टेबल बनाना चाहें, सो फर्स्टली अगर हम बात करें, क्योंकि मिनिमम हमारा 1.1 तो आई गई, ठीक है, एंड मैक्सिमम हमारा 6.6 आएगा. सो एडिशन हमारा या तो 2 होगा, मिनिमम एडिशन 2, मिनिमम सम जो है 2 आएगा और मैक्सिमम हमारा 12 आएगा, ठीक है. सो यहाँ हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ पर हमारा जो है हो जाएगा 2, ठीक है. सो 2 के लिए देखें तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/36 रहेगी एंड 12 के लिए भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/36 रहेगी, ठीक है. अगर हम बात करें उसके बाद, या तो हमारा सम जो है 3 हो सकता है और इधर हमारा सम 11 हो सकता है, तो 3 के लिए ये हमारा हो जाएगा 2/36, इधर हमारा 11 के लिए भी क्या हो जाएगा 2/36, ठीक है. इस टाइप से सेम चलते हैं ये. यहाँ सम हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है एंड 10 हो सकता है, ठीक है जी. सो 4 के लिए हमारा हो जाएगा 3/36, इधर से 10 के लिए भी 3/36 हो जाएगा, 9 के लिए 4/36 हो जाएगा, 8 के लिए 5/36 हो जाएगा, 7 के लिए 6/36 हो जाएगा, इस टाइप से इधर से 4/36 हो जाएगा, ये हमारा 5/36 हो जाएगा. सो 7 के लिए ही हमारे मैक्सिमम सम 7 आए, वही हमारे मैक्सिमम आउटकम्स बेसिकली होते हैं 6/36, ठीक है जी. सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ये हमने सिंगल डाइस के लिए देखा और यहाँ पर हमने सॉरी थ्री कॉइन्स के लिए देखा और ये हमने टू डाइस के लिए देखा, ठीक है जी. चलिए इसके बाद हमारा आता है जी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है.
देखिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम दिखाते हैं ई ऑफ एक्स से, ई ऑफ एक्स से। ई ऑफ एक्स का मतलब होता है जो बेसिकली एवरेज होता है ना, जिसे हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज, या जिसे हम मीन बोलते हैं, वही बेसिकली यहाँ पर होता है जी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसे ही हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी ई ऑफ एक्स से दिखाते हैं। सो बेसिकली ई ऑफ एक्स हमारा इक्वल होता है समीशन ऑफ ऑल आई एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ठीक है, यानी कि या फिर अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट नहीं है तो हम बेसिकली इसका इंटीग्रेशन फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं। ठीक है, यही हमारा जो सिंपली एवरेज होगा। ठीक है, एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ठीक है, सो बेसिकली एक्स आई एंड पी ऑफ एक्स आई हमारे पास होता है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों सभी का जो है मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। ठीक है, फिर इन सभी का हम एडिशन ले लेंगे तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ पी आई एक्स आई। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी, सो बात करते हैं मेन हमारा यही होता है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस को हम दिखाते हैं वी ऑफ एक्स से, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा रूट ऑफ होता है वेरिएशन के। ठीक है, वेरिएशन के रूट के बराबर होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है। मीन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा वन, ये हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का एडिशन यानी समेशन हो जाएगा फॉर ऑल आई। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। और नेक्स्टली अगर आप बात करें, अगर आप समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, एक्स आई का स्केयर कर देंगे इंटू पी ऑफ एक्स आई करेंगे, यहाँ पर पी एक्स आई की स्केयर नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर एक्स आई का क्यूब कर देंगे इंटू पी ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये कर देंगे, सिंपली ये हो जाता है हमारा। अगर हम बात करें सेकंडली, अगर हम बात करें वेरियंस की, वी ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वी ऑफ एक्स के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला रहेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बट इसकी स्क्वायर। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ तो हमारा इसे हम इक्वेशन नंबर टू दे रहे हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर टू माइनस इक्वेशन नंबर वन की स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है जी, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है वेरियंस, वेरियंस होता है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा रूट ऑफ वी ऑफ एक्स होता है। वैसे बेसिकली हम जो है वेरिएशन को सिग्मा स्क्वायर एक्स से दिखाते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हमारा होता है वेरियंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिंपली सिग्मा एक्स इससे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा उस कुछ इस फॉर्मेट में, दैट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन बाई फोर, और मान लीजिए पी बी बार हमारे पास गिवन है वन बाई टू, और हमें फाइंड आउट करना है पी, मान लीजिए ए यूनियन बी, ये भी हमारे पास गिवन है फाइव बाई नाइन, और हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए अपॉन बी एस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल सी बात, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर बी, थोड़ा सा गड़बड़ किया हमने यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, सो इसके लिए हमारे पास एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, एक हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। हमारे पास पी ए है, पी बी नॉट हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पी बी फाइंड आउट कर सकते हैं, वन माइनस पी बी बार ये हो जाएगा, ये भी हमारा वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू ही आ जाएगा। ठीक है, और यूनियन गिवन है, पी बी हमारे पास आ गया, पी आ गया, तो हम इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ए एंड पी बी ये हमारा हो जाता है बेसिकली, पी ए हमारा हो गया वन बाई फोर, ये हमारा हो गया वन बाई टू, माइनस यूनियन हमारा हो जाता है वन बाई फाइव बाई नाइन। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास आ जाता है, जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको 36 एंड ये हमारा हो जाएगा 7/36। ठीक है जी, अब दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ बी, पी ऑफ बी हमारा 1 बाई टू एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 7/36। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारा हो जाएगा 7/18।
ठीक है जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाता है। चलिए इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर सच दैट, यानी दो हमारे इवेंट्स हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू वन, देन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी, ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है, ये हमें देखना है। अब इसके लिए सिंपल सा आप फैक्ट देखेंगे कि पी ऑफ ए नॉट अपॉन बी, इसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये तो बात हमारे लिए सिंपल है। माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ थी, यहाँ पर ए अपॉन बी बार ये हमें दिखाना था, यहाँ भी बी बार है, यहाँ भी बी बार है, तो यहाँ भी बी बार है, ठीक है, सो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन लॉ आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ दोनों स्टेप्स एक साथ नहीं लेते हैं, सिंगल सिंगल स्टेप करके लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो। चलिए सो इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी का, यहाँ पर पूरी की बार लेंगे, ठीक है, और बी बार हो जाएगा। सो इसे अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि हमें पता है पी ऑफ समथिंग नॉट, ठीक है, ये हमारा हो जाता है वन माइनस पी ऑफ ए, ठीक है जी, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन नीचे हमारा हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ बी, ठीक है, सो ये हमारा सिंपली हो जाएगा। अब वैसे बेसिकली अगर हम चेक करें यहाँ पर तो यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज तो गिवन नहीं है, हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला चेक कर फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करना था, तो ये हमारा हो जाता दिस अपॉन या तो पी बी बार जो भी आपके ऑप्शन में है, या फिर वन माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन वन माइनस पी ऑफ बी, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस में है वो हम चेक कर सकते हैं। चलिए सो क्लास हमारी जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, कुछ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लीजिए हमारे पास 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लीजिए हमारे पास 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास मान लीजिए 0.3 है, हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए अभी अभी हमने रिजल्ट किया, ये हो जाएगा वन माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ठीक है जी, और ये भी हमारा इसे वन माइनस पी ऑफ बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस 0.3 अपॉन वन माइनस 0.4, सो ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 0.6, सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमारे पास गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए ये हमारे पास गिवन है मान लीजिए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमारे पास गिवन है 0.1, ठीक है, देन हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हुए चलें तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इसका नॉट और ये हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें यूनियन चाहिए, यूनियन के लिए हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये हमारे पास गिवन है 0.6। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए और ये हमारे पास है 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है, इसे हम लिख देते हैं 0.1। सो इस इक्वेशन से हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है, ये हमारा हो जाएगा 0.3 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.03, ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया पी आ गया, तो हम पी बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से यहाँ से हम जो है इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.6 इक्वल हमारा इंटरसेक्शन हमारे पास आया 0.03 अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी हमारे पास जो है हमें फाइंड आउट करना है, सो पी ऑफ बी हमारा जो है क्या आ जाएगा पी ऑफ बी, ये हमारा हो जाएगा 0.03 अपॉन 0.6, ठीक है जी, तो यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है, पी बी हमारा हो जाएगा 1/20 विच इज इक्वल टू 0.05, तो पी बी आ गया, पी ए आ गया, ठीक है, पी बी भी आ गया
पीए भी आ गया और इंटरसेक्शन भी आ गया, तो इससे आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट कर ही लेते हैं, पी ए हमारा क्या आया था, पी ए हमारा 0.1 गिवन है, प्लस पी ऑफ बी हमारा आया 0.05, प्लस इंटरसेक्शन सॉरी माइनस करना है हमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारा आया था 0.03, ठीक है जी। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 0.12, और बेसिकली इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 1 माइनस 0.12, तो ये हमारा हो जाएगा 0.88। सो ये आपका आंसर बेसिकली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है जी। चलिए सो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। वीडियो को लाइक किया करें आप, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ जो भी आपके सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ठीक है जी। चलिए थैंक यू वेरी मच।